नमस्कार भैया, हम आपको मेसी ट्रैक्टर के बारे में बताना चाहते हैं। मेसी ट्रैक्टर का रख रखाव के बारे में। रख रखाव ये है मेसी का, अपने सुबह पहली इंजन में आयल चेक कीजिए आप। इंजन में दो निशान रहते हैं आयल के, वो आयल रहना चाहिए अपने दूसरे निशान पे। फिर उसके बाद रेडिएटर का पानी चेक कीजिए आप। रेडिएटर का पानी रहेगा आपके फुल गले तक के। फिर उसके बाद डब्बी का पानी भी चेक कीजिए। डब्बी का पानी रहेगा आपके दूसरे निशान पे। और फिर इसके बाद पानी आपको सुबह सुबह चेक करना है। कभी भी ट्रैक्टर अपना चलता रहे, गरम गरम ढक्कन नहीं खोलना रेडिएटर का, नहीं तो अपने हाथ वगैरह जल जाएंगे। कभी भी रेडिएटर का ढक्कन खोलना नहीं ऐसे, ट्रैक्टर ठंडा रहे। ये सब सुबह सुबह के काम है भाई, चेक करने के लिए। रेडिएटर का पानी, डब्बी का पानी और अपने इंजन का ऑयल और रेटर आगे से अगर चोक हो रहा है तो रेटर आगे से रोजाना मशीन पर अगर चलता हो तो साफ़ करना रोजाना, और मशीन पर नहीं चलता हो तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एयर क्लीनर अगर मशीन पर अगर चल रहा है ट्रैक्टर, जो एयर क्लीनर को रोज़ाना साफ़ करना आप। और अगर मशीन पर नहीं चल रहा है वो सर्विस पर साफ़ हो जाया करेगा। फिर उसके बाद बैटरी का पानी, ये 15 दिन में चेक होना चाहिए। बैटरी का पानी अधिक 1 इंची खाली रहना चाहिए। बैटरी का पानी हमेशा चेक करते रहना आप। फिर उसके बाद अपनी फैन बेल्ट 1.5 इंची करीब ढीली रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। फैन बेल्ट पे भी आप नज़र मारा करिए। फिर उसके बाद अगले टायर में हवा रहना चाहिए 26 पाउंड की। फिर उसके बाद अपने पिछले टायर में हके के ऊपर 14 पाउंड की हवा रहना चाहिए और ट्राली के ऊपर 18 पाउंड की हवा रहना चाहिए। अगर ट्रैक्टर का रखरखाव सही साठ रहेगा, ट्रैक्टर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर इसके बाद अपना लिफ्ट का ऑयल में भी 2 निशान है गेज के ऊपर, वो दोनों निशान पे ऑयल रहना चाहिए। ऊपर वाले निशान पे ऑयल रहना चाहिए। और लिफ्ट का आपका ऑयल चेंज होगा 1000 घंटे पर। अगर लिफ्ट का ऑयल आप चेंज कराओगे तो लिफ्ट में काम नहीं आएगा, गियर में भी काम नहीं आएगा, थाली पीने में नहीं टूटेगा। और 14 पाउंड की जो हवा आपको हमने बताई है, ये हवा भी आपको 14 पाउंड अगर रखोगे तो थाली पिनन पे इस पर लोड नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा, वो टायर क्या भार बोन चुकर लेगा। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में सब मीटर चालू रहना चाहिए। डीजल का मीटर हुआ, ऑयल मीटर हुआ, ये अपने टेम्परेचर मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, घंटे का मीटर हुआ, ये सब चालू रहना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत फ़ोन लगाइए, हमें बताइए,